उज्जैन जावरा टू लेन पर बच्चों की मौत का मामला सामने आया, जिसको लेकर स्कूल के 200 बच्चों ने एक घंटे भूख हड़ताल पर बैठकर श्रद्धांजलि दी। भूख हड़ताल के तीसरे दिन भी जन समर्थन मिला। वही शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने अपनी टीम के साथ भूख हड़ताल का समर्थन किया, जहाँ उन्होंने कहा कि वह कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में सहयोग देंगे। वहीं स्कूल के 200 से अधिक बच्चों और स्टाफ ने मृत बच्चों को श्रद्धांजलि देकर एक घंटे भूख हड़ताल में शामिल होकर समर्थन किया। हमारी सरकार से गुजारिश है कि नागदा टू उन्हें 4 लेन रोड बने और प्राइवेट हॉस्पिटल बने। मेरी भी ये सरकार से गुजारिश है कि जो अगले जिले के जावरा तक का रोड है वो 4 लेन बनाया जाए और नागदा के अंदर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल की सुविधा हो, ताकि जो नागदा के अंदर जो बच्चों को हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिल पाई है, जो दूसरे हॉस्पिटल को जाना पड़ा, जिनकी वजह से जल्दी से जल्द नागदा जंक्शन के अंदर अच्छे हॉस्पिटल की सुविधा बनाई जाए। इस घटना के बाद पूरे देश, पूरे प्रदेश, पूरे शहर में एक छोटा से छोटा बच्चा, किसी से भी अगर हम ये पूछे कि ये घटना के क्या कारण रहे, तो ये बताएंगे वो अव्यवस्था बताएंगे। कई तो बच्चों के वीडियो तक सोशल मीडिया में आ रहे हैं, वो इस बात को लेकर चिंतित है कि चूंकि ये उज्जैन से जावरा 4 लेन नहीं है, तो ये बहुत बड़ा कारण है दुर्घटना का।